आज हम आए हुए हैं पागलवा मंदिर, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। एवं यहाँ का कहते हैं सभी भक्त कि यहाँ पे जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता, और मुख्य रूप से दर्शन पागलवा पे होते हैं पूर्णिमा पर। पूर्णिमा पर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में भक्त आते हैं, और उस दिन तो खास माना जाता है बाबा जी का दर्शन करना। उस दिन जो भी भक्त आता है यहाँ पर वो कभी खाली हाथ नहीं गया आज तक। और ऐसा भी मानना है यहाँ की बहुत अच्छी कहानी है, जो कि एक भक्त की कहानी है। गरीब ब्राह्मण था, जो उसने कुछ कर्जा लिया था साहूकार से, तो उसके ऊपर यहाँ का बहुत अच्छी कहानी आपको और वो सुनना होता आप बताइएगा, हम आपको वो भी लेकर आएंगे। तो चलिए तब तक आपको हम पागलवा मंदिर के दर्शन कराते हैं। राधे राधे। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों भक्त का तांता लगा रहता है। खासतौर पर पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बांकी बिहारी खुद अपने भक्ति के लिए गवाही देने के लिए चले आए थे। यूपी में स्थित मथुरा को कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस नगरी में कहा जाता है कि यहाँ कहीं भी एक पत्थर उछालो तो वो किसी न किसी मंदिर में ही गिरेगा, इसलिए तो इस नगरी को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ एक नहीं बल्कि कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की लाइन लगी रहती है। साथ ही यहाँ कोई पौराणिक किस्से हैं और उन किस्सों में छिपी लोगों की आस्था भी है। यह मंदिर मायावती चौराहे के निकट स्थित है, जो कि वृंदावन की एंट्री पर ही मायावती चौराहे पड़ता है। इस मंदिर का नाम पागल बाबा मंदिर है। यह 9 मंजिला मंदिर है, वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है। आप सभी को फर्स्ट फ्लोर के दर्शन कराएं, अब चलिए आपको सेकंड फ्लोर पर लेके चलते हैं। और देखिए जो भक्त आते हैं इस प्रकार से यहाँ सब कुछ लिख देते हैं। देखिए ये आपको क्लियर नहीं दिखाएंगे, सही नहीं रहता है कि किसने क्या लिखा है, आपको दिखाएं। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर लिखने से आपका अवश्य होता है। इससे ऊपर लेके चलते हैं आप। थर्ड फ्लोर पर कृष्ण बरला मंदिर है, आपको चलिए कृष्ण बरला मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही सुंदर दर्शन है कृष्ण बलराम जी का, बोले कृष्ण बलराम की जय हो। अब चलते हैं ऊपर की ओर, ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, इसमें इधर से उधर होते होते ही परेशान हो जाते हैं जी। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, अभी हम थर्ड फ्लोर पर हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर पर दर्शन कराए एंड थर्ड फ्लोर पे कृष्ण बलराम मंदिर है, जो किसको आपको दर्शन कराए। बहुत ही सुंदर दर्शन है कृष्ण बलराम जी के। और इस मंदिर की एक मान्यता हो रही है कि आप देख सकते हैं सभी जगह दीवार पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो यहाँ का ये मान्यता है कि जो भी भक्त जो श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना लिखते हैं पागल बाबा जी के मंदिर पर, उसकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं पागल बाबा जी। तो आपकी भी जो मनोकामना हो मानसिक रूप से आप भी यहाँ पर अपनी उस मनोकामना को चरणों में पागल बाबा जी के चरणों में भेंट कीजिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और चलिए इससे ऊपर आपको दर्शन कराते हैं। और एक बात और, ये मंदिर वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है, आप उस चीज़ के दर्शन कर सकते हैं। देखिए आप उस ऊपर, यहाँ से वृंदावन के दर्शन कराएंगे क्योंकि ये सबसे ऊंचा मंदिर है, तो यहाँ से काफ़ी कुछ हद तक वृंदावन के दर्शन हो जाते हैं, तो आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। और इससे ऊपर भी काफ़ी आकृतियाँ हैं भगवान की, उसके भी दर्शन कराते हैं। चलिए आइए दर्शन करते हैं। हम आ चुके हैं चौथी मंजिल पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदसुधा मंदिर है, और आपको चलिए दर्शन कराते हैं। ये नंदसुधा मंदिर है, बोलिए नंदसुधा भगवान की जय। आप भी मानसिक रूप से प्रणाम कीजिएगा और दर्शन कीजिए, अपनी हाजिरी लगाइएगा मंदिर में। चलिए इससे ऊपर चलते हैं, आपको दर्शन कराएंगे राधेश्याम। तो आप देख सकते हैं पाँच मंदिर पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर है राम दरबार मंदिर, तो आपको चलिए दर्शन करते हैं राम दरबार। आप देख सकते हैं हम सिक्स फ्लोर पे आ चुके हैं, और यहाँ से बहुत ही सुंदर वृंदावन के दर्शन होते हैं, आप कर सकते हैं। प्रेम मंदिर भी दिखता है, जो कि आप सामने देख सकते हैं, प्रेम मंदिर भी दिख रहा है। और अभी कुछ टाइम बाद जो चंद्रोदय बनने वाला है, तो वो तो आगरा से दिखना, आप सभी को पता ही है कितना ऊँचा बन रहा है। और आप वृंदावन के रुक्मिणी विहार के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से, बाकी सब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वृंदावन काफ़ी बड़ा है। और चलिए आपको इससे ऊपर जो फ्लोर है उसके दर्शन कराते हैं, वहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है, वहाँ पे दर्शन कराइए। चलिए राधे राधे। तो ऊपर जाने का बहुत छोटा सा रास्ता है यहाँ से, चलिए चलते हैं आराम से।
तो हम आज के सबसे ऊँचे वावन अवतार के दर्शन कराएंगे। दर्शन हुए यहाँ पर ठाकुर जी के बावन अवतार के दर्शन है, बावन अवतार के दर्शन किए और हम उससे ऊपर आ चुके हैं, शायद सेवन्थ फ्लोर पे आ चुके हैं। तो आपको चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कराते हैं। उससे बोले लक्ष्मी भगवान की जय। आप पास से दर्शन कर सकते हैं। गेट वगैरह इसको बंद कर रखे रखा है क्योंकि भक्त वगैरह आते हैं तो अंदर नहीं जाना चाहिए घर पर हमें, इसलिए बंद करके रखा है। और इससे ऊपर भी एक फ्लोर आपको चलिए वहाँ के दर्शन कराते हैं। तो सबसे लास्ट फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं और सबसे छोटा छोटा सा रास्ता है पर बहुत सुंदर है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। और आप देख सकते हैं हम सबसे लास्ट फ्लोर पर आ चुके हैं ऊपर और यहाँ पर भगवान ओम मंदिर के दर्शन होते हैं। आप दर्शन कीजिएगा और आप देख सकते हैं यहाँ से क्या सुंदर नज़ारा मिल रहा है विमान का देखने को। ये जो आप सामने देख सकते हैं ये विमान का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है। आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं, इस मंदिर का एक प्राचीन कहानी बहुत ही सुंदर है जो कि एक गरीब ब्राह्मण की कहानी। आप सभी ने सुना होगा भागवत में काफ़ी इतिहास है जो कि दृष्टांत दिया करता इस बात का कि एक भक्त था जिसको उसने साहूकार से कर्जा लिया था तो उसमें भगवान स्वयं गवाही देने आए थे, उसी का प्रतीक है ये तभी का। इसका बहुत ही सुंदर कहानी है। आप अगर ये कहानी का आपको वीडियो चाहिए इसका दृष्टांत का तो आप बताइएगा कमेंट में बोलना जरूर। तो आपके लिए न्यू वीडियो लेकर अवश्य आएंगे हम। तब तक सभी के लिए राधे राधे। और आपको इस मंदिर का दर्शन कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। राधे राधे।